गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास सेवन का चैप्टर सिक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है सदाचार का ताबीज। सदाचार के लिए ताबीज है ना। सदाचार मतलब क्या होता है? सदाचार का मतलब होता है अच्छे आचरण। क्या आपको लगता है एक ताबीज को पहनने से हमारे अंदर अच्छी आदतें आ सकती हैं? आप लोगों को लगता है ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसमें ऐसा क्यों लिखा गया है, चैप्टर का नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसको हम लोग चैप्टर को पढ़कर समझते हैं और आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए पाठ छह, सदाचार का ताबीज। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब बुजुर्ग को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो चीजें मुझे दिखाई नहीं देती वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते, वह तुम्हें तो दिखते होंगे। अब एक यहाँ पे एक राजा है जो दरबार में बैठे हुए हैं और अपनी प्रजा से बात कर रहे हैं, अपने प्रजा से मंत्रियों से पूछ रहे हैं कि मुझे एक बात सुनाएगी कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राजा को नहीं पता कि भ्रष्टाचार क्या है, उनकी प्रजा को फिर कैसे पता चल सकता था कि भ्रष्टाचार क्या है। तो वो अपने मंत्रियों से प्रजा से बात कर रहे हैं कि मुझे पता चला है ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार क्या है। तो उसके मंत्री कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो क्या है, और साथ में वो लोग ये भी बोलते हैं, महाराज जी जब आपको नहीं पता तो हमें कैसे पता हो सकता है। तो राजा बोलते हैं कि हो सकता है कुछ कुछ चीजें जो मुझे पता होती है आपको पता नहीं होती, मुझे पता नहीं होती वो हो सकता है आपको पता हो, ऐसा हो सकता है ना। तो अपनी प्रजा से बोल रहे हैं कि जाके पता करो कि भ्रष्टाचार क्या है, लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोल के। दरबारियों ने कहा, जी देखते हैं, पर वे सपनों की बातें हैं। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढकर देखो कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, अगर कहीं मिल जाए तो हमारे सामने दिखाने के लिए नमूने लेते हैं, हम भी देखें कि कैसा होता है। राजा बोले अपने मंत्री से कि तुम लोग ढूंढो, राज्य में जाओ ढूंढो और देखो कि कहीं पे भ्रष्टाचार मिले तो मेरे लिए लेके आना और पता करके आना कि भ्रष्टाचार होता क्या है। चलिए देखते हैं क्या होता है भ्रष्टाचार। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है बहुत बारीक होता है, हमारी आंखें उसकी विराट, हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीजें दिखाई नहीं देती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है, पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उससे आंखों में अचकर वे बारीक चीजें भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को भी हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपो। राजा के जो मंत्री हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कितने आलसी हैं। जब राजा ने बोला कि जाओ तुम लोग राज्य में ढूंढ के आओ कि भ्रष्टाचार क्या होता है, तो उसके मंत्री मेहनत ना करने के कारण उनके सामने बहाना बनाते हैं कि महाराज जो भ्रष्टाचार है वो तो बहुत छोटा होता है, हमें वो दिखेगा नहीं, हमें तो आपकी महानता देखने की आदत हो गई है, अब हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं अपने आसपास उसमें सिर्फ आप ही की सूरत दिखाई देती है। राजा भी सुनकर खुश, भाई मेरे मंत्री कितने अच्छे हैं, उनको सभी जगह बस मैं दिखता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो मंत्री लोग अपनी चलाकी कर रहे हैं, उनको काम पे नहीं जा रहा, मंत्री लोग दूसरा एक
वो आश्वासन देते हुए कहते हैं, महाराज जी कोई बात नहीं, आप हमारे राज्य में विशेषज्ञों की एक जाति होती है उन्हें बुला दीजिए और भ्रष्टाचार ढूंढने का काम उन्हें दे दीजिए, वो काम करेंगे। उनके पास कुछ जादुई तरीका होता है जिससे वो भ्रष्टाचार को ढूंढ लेंगे। अब भाई विशेषज्ञ कैसे भ्रष्टाचार को ढूंढते हैं? राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए। कितने आदमी बुलाए? 5 आदमी। और उसे कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर कहाँ है यह पता नहीं चला, तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़ना मेरे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। अपनी मंत्रियों की बात सुन के राजा ने विशेषज्ञों की टीम को बुलाया। उनकी टीम में कितने मेंबर थे? 5 मेंबर्स थे। उनको बुलाया, विशेषज्ञ राजा का आदेश सुन के महल में आ गए। अब सभा लगी हुई है, राजा बोलते विशेषज्ञ को कि आपको एक काम सौंपा जा रहा है कि आपको जाके भ्रष्टाचार को ढूंढना है। इससे ना मेरे नान रातों की नींद चली गई है, आप मुझे बताइए कि भ्रष्टाचार क्या है, ढूंढ कर लाइए, अगर बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा सा नमूने के लिए लेके आइएगा। नमूना मतलब कोई भी चीज का एक छोटा हिस्सा है ना, उसको नमूना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो संसार है बहुत बड़ा है, पूरे संसार के बारे में हमको पता नहीं चल पाता, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ग्लोब करते हैं ना, आप लोग एसएसटी में ग्लोब का यूज करते हो जिससे हम लोग पूरे संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे ही बोल रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो उसका थोड़ा सा नमूना लेकर आइएगा और मुझे बताइए कि आखिर है क्या ये भ्रष्टाचार जिसके कारण मैं भी परेशान हूँ और मेरा राज्य भी परेशान। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने के बाद फिर से दरबार में हाजिर हुए। कितने महीने बाद हाजिर हुए विशेषज्ञ? 2 महीने बाद। 2 महीने तक वो छानबीन कर रहे थे। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ देखूं कैसा होता है। जब विशेषज्ञ 2 महीने के बाद राजा के महल में आए तो राजा ने बोला कि तुम्हें भ्रष्टाचार मिल गया? तो विशेषज्ञ बोला जी महाराज मिल गया। बोले दो तो ऐसे हाथ बढ़ा के बोले, दो मुझे कैसा दिखता है देखूं जरा। तो उनके विशेषज्ञ बोले, राजा जी ये आपके हाथ में दिया नहीं जा सकता। अब दिया क्यों नहीं जा सकता? विशेषज्ञ ने कहा, बुजुर्ग वो हाथ के पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले विशेषज्ञ तुम कहते हो वह सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के होते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर के है? विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसा अनुभव होता है? विशेषज्ञ ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है, कहकर राजा साहब उछल कर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञ ने कहा, हाँ सरकार सिंहासन में है, पिछले मामले में सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगने दाम का है, आधा पैसा बीच वाले खा गए, आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, वह मुख्यतः घूस के रूप में। देखो भाई विशेषज्ञों को जो काम सौंपा गया वो लगभग लगभग तो पूरा कर गया, ये तो नहीं बोल सकते कि वो पूरा 100% अपना काम कर गया, हाँ लगभग काम को पूरा कर दिया। उन्होंने पता लगा लिया कि भ्रष्टाचार बहुत ही छोटा होता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जाता है, सिर्फ फील किया जा सकता है ना, और वो सभी जगहों में। महाराज को धारण के लिए बोलते हैं, महाराज आप जिस सीट पे बैठे हो मतलब जिस सिंहासन पे बैठे हो
तो बोलते हैं पिछले पेंटिंग जब आपके सिंहासन पर पेंट किया जा रहा था, रंग किया जा रहा था, तो जो बिल दिया गया रंग करने के बाद बिल दिया गया काम होता है उसका बिल दिया जाता है, तो जो बिल दिया गया वो बिल झूठा था। क्यों झूठा था? क्योंकि उसमें दुगना रेट लिखा हुआ था, दुगने पैसे दिए गए। मानो 1000 रुपये काम करने में लगा हो तो बिल 2000 का बना। 1000 रुपये कौन खा गया? बीच वाले खा, पेंटर ने नहीं खाया, राजा ने नहीं खाया, जिसने पेंटर को बुलाया था उसने खाया। और एक उदाहरण देके विशेषज्ञ ने यह समझाया कि जो घूस लेते हैं पैसे लेते हैं यही भ्रष्टाचार को फैला है। अब राजा को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई। विशेषज्ञ की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञ, तुम बता सकते हो कि कैसे मिटा सकते हैं? विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, हमने इसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका और ठेकेदार। तो अधिकारियों को घूस मिलता है, ठेका मिल जाए तो घूस भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह तो बहुत सी चीजें हैं जिनके कारण से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारनीय है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेंगे। और विशेषज्ञ चले। राजा ने विशेषज्ञों को पूछा कि जब भ्रष्टाचार सब जगह फैला हुआ है, इस महल में भी फैला हुआ है, तो हम इस भ्रष्टाचार से बचे कैसे, इसे बचा जा सकता है क्या? तो विशेषज्ञ कहते हैं, बिल्कुल बचा जा सकता है। तो कैसे बचा जा सकता है, राजा ने उपाय पूछा। विशेषज्ञ ने बताया कि आपको आपके राज्य में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। अभी जैसा भी कानून आपके राज्य में चल रहा है इसके कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो आपको इन सब चीजों को बदलना होगा, तभी आप भ्रष्टाचार से राहत पा सकते हैं। तो राजा ने बोला, ठीक है, तुम एक विचार विमर्श के लिए एक पर्ची तैयार करो और उसमें बताओ कि हमें क्या क्या उलटफेर करने होंगे, फिर हम बताएंगे अपने दरबारियों के साथ मिलके कि हमें बदलाव मंजूर है कि नहीं। ठीक है, अब विशेषज्ञ अपने विचार देके चले जाते हैं। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीत गया, राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। देखिए, भ्रष्टाचार का मतलब होता है पूरे राज्य में लोग गलत तरीके से अपना काम कर रहे हैं। सब लोग काम कर रहे हैं तो राजा का मंत्री भी काम कर रहा है वैसे, है ना, राजा के प्रजा भी वैसे ही काम कर रहे हैं। एक से भ्रष्टाचार नहीं मिलता यार, एक से भ्रष्टाचार नहीं फैलता है, वो धीरे धीरे फैलने लगता है, एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर। मान लो कि एक रोग या भ्रष्टाचार जो कि आज हमारे संसार में फैला हुआ है, राजा उस पर विचार करते रहते हैं जो विशेषज्ञों ने बना के गए, और सोचते सोचते रात को सोते नहीं, खाते नहीं, अच्छे से चैन की सांस नहीं लेते, और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मंत्रियों को भी डर लगने लगा कि इस तरह का अगर उलटफेर हो जाएगा तो हम लोग को जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है घूस के रूप में वो नहीं मिलेगा, तो हमारा क्या होगा। तो राजा को बहलाने के लिए उसके मंत्री बोलते हैं, महाराज आपको इतने उलटफेर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे आपका शरीर बिगड़ रहा है। मंत्रियों को राजा की फिक्र नहीं है यहाँ पर, उनको सिर्फ अपनी फिक्र है, इसलिए वो राजा को बहला रहे हैं कि वैज्ञानिकों के कारण, विशेषज्ञों के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आप उस पर सोचना छोड़ दीजिए और आराम से रहिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। राजा ने कहा, हाँ मुझे रात की नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसे रिपोर्ट को आपके हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर करें क्या, तुम लोग
तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या ऐसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों का महाराज यह योजना क्या है? एक मुसीबत, उसके अनुसार कितने उलटफेर करने होंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने में नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती है। हमें तो कोई ऐसा तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट पलट किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा के दरबारी उन्हें सलाह देते हैं कि महाराज, इस तरह से आप उलटफेर करोगे तो हमारे राज्य की व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो जैसे चला आ रहा है वैसे चले आने दीजिए, और हो सके तो भ्रष्टाचार मिटाने का कुछ अच्छा उपाय ढूंढते हैं जिससे कुछ उलटफेर भी ना करना पड़े और हमारे राज्य से भ्रष्टाचार भी चले। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो तो कैसे? तुम लोग भी कोई उपाय खोजो। अब राजा भी बोलते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी प्रजा को ज्यादा झंझट ना हो, लेकिन कोई बुराई भी मेरे राज्य में ना फैले, तो हम करें तो क्या करें? अब दरबारी और राजा मिलकर कुछ तो उपाय निकालेंगे, वो उपाय क्या होगा इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और अभी तक मैंने जितना समझाया है आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।